नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। वाकई ये बिल्कुल सही बात है कि सियासत में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, और वो सियासी ऊंट किस करवट बैठ जाए वाकई किसी को अंदाजा भी नहीं होता। और यही इस वक्त देश के महाराष्ट्र में हुआ है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र की राजनीति में जो एपिसोड चल रहा था, जो सीरीज चल रही थी, बागी विधायकों की, निर्दलीय विधायकों की, शिवसेना के विधायकों की, पूरी सरकार की जो एक स्क्रिप्ट यहाँ पर अलग अलग तरीके से जो लिखी जा रही थी, कुछ एमएलए कभी गुजरात, कभी गुवाहाटी, कभी गोवा, तो उसके बाद मुंबई, और तमाम पूरी एक जो सियासी पिक्चर जो यहाँ पर तैयार हुई, आखिर उसका जो क्लाइमैक्स हुआ उसने देश के सभी लोगों को चौंका दिया। दरअसल कल जब उद्धव ठाकरे ने कल रात जब इस्तीफा दे दिया अपने मुख्यमंत्री पद से, उसके बाद लगातार अटकलें यही लगाई जा रही थी कि अब महाराष्ट्र के सीएम की कुर्सी देवेंद्र फडणवीस संभालेंगे। अभी कुछ देर पहले तक भी, यानी आज दोपहर तक भी, यही अंदाजा लगाया जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले सीएम होंगे। लेकिन यहां पर जैसा कि हमने कहा कि ऊंट किधर बैठ जाए कुछ पता नहीं, और यहाँ पर बिल्कुल अलग दिशा में खेला हो गया, और महाराष्ट्र के अब नए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ना होकर एकनाथ शिंदे होंगे। एकनाथ शिंदे जो पिछले कई दिनों से चर्चाओं में थे हिंदुस्तान की राजनीति में, महाराष्ट्र की राजनीति में तो खैर चर्चाओं में रहे ही हैं, लेकिन हिंदुस्तान की सियासत पर नजर रखने वाले तमाम लोगों की नजरें एकनाथ शिंदे पर थी कि आखिर ये जो पूरी दौड़भाग की जा रही है उसका नतीजा क्या निकलता है। और उसका नतीजा ये कि आज देवेंद्र फडणवीस ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान कर दिया कि सीएम वो नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे होंगे। दरअसल राज्यपाल से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसकी घोषणा कर दी, इसका ऐलान कर दिया। हर कोई चौंका, और वाकई चौंकने वाली बात भी है, क्योंकि सबको अंदाजा यही था कि देवेंद्र फडणवीस ही इस बार भी महाराष्ट्र की सीएम की कुर्सी संभालेंगे। अब फडणवीस ने अपने ऐलान के बाद कहा कि भाजपा शिंदे को समर्थन देगी, और वही राज्य के मुख्यमंत्री। इधर राज्यपाल से मुलाकात के बाद फडणवीस ने कहा कि महाविकास आघाड़ी ने जनादेश का अपमान किया है और इस सरकार में भ्रष्टाचार था। महाराष्ट्र सरकार के दो मंत्री जेल में हैं, एक तरफ बाला साहब ठाकरे ने दाऊद का विरोध किया, दूसरी तरफ दाऊद से जुड़े मंत्री को जेल जाने के बाद भी मंत्रिमंडल से निकाला नहीं गया। दरअसल ये मुद्दा भी यहां पर चल रहा था। अब यहां पर एक बात तो जो फडणवीस ने कही कि औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर करने का फैसला भी तब लिया जब सरकार जाने को थी, यानी सीधा सीधा आरोप कि अगर उद्धव ठाकरे समय पर संभल जाते तो शायद ऐसा नहीं होता, और इसका वाकई कोई मतलब नहीं है। ये फैसला नहीं सरकार को लाना होगा, जो लोग हमसे हारे हैं उन्हें सरकार में लिया गया है, और इसीलिए इन लोगों ने फैसला किया है कि हमें गठबंधन मंजूर है लेकिन कांग्रेस एनसीपी के साथ कतई नहीं। फडणवीस ने यहां कहा कि माननीय उद्धव जी ने इस्तीफा दिया तो राज्य को वैकल्पिक सरकार देने की जरूरत है, वैकल्पिक सरकार देने की जरूरत है, और सरकार गिराने के बाद वैकल्पिक सरकार आएगी, ऐसा मैंने पहले ही कहा। इसलिए आज शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट, भाजपा और कुछ छोटे दलों ने मिलकर सरकार बनाने का फैसला किया है। भाजपा ने यह फैसला लिया कि हम एकनाथ शिंदे को भाजपा समर्थन देगी। और आपको बता दें कि आज शाम 7:30 बजे एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम पद की शपथ लेंगे। और लेकिन यहां एक चीज और, लोगों के जहन में एक सवाल यह भी था कि आखिर फडणवीस अगर सीएम नहीं तो फिर क्या होंगे, लेकिन यहां पर फडणवीस ने यह ऐलान कर दिया कि वो खुद कैबिनेट से बाहर रहेंगे। सियासत, ध्यान रखिए, शिंदे को शिवसेना का समर्थन, भाजपा भी उनका साथ देगी। भाजपा ने शिंदे गुट को
दरअसल सीएम और मंत्री पदों का ऑफर दिया था। अब जो सूत्र बताते हैं, जो चर्चाएं हैं, जो खबरें हैं कि शिंदे गुट और भाजपा के बीच सरकार बनाने पर मंथन भी चल रहा था, मतलब जब ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ उसके दौरान, और भाजपा ने शिंदे गुट को 8 कैबिनेट और 5 राज्य मंत्रियों का ऑफर भी दिया। सूत्रों के मुताबिक गुलाबराव पाटिल, शंभुराज देसाई, संजय शिरसाट, दीपक केसरकर, उदय सामंत को अब मंत्री बनाया जा सकता है। अब यहां पर एक चीज हो जिसका जिक्र करना बेहद जरूरी है, क्योंकि महाराष्ट्र में यह मुद्दा काफी चर्चाओं में रहा, और चर्चाओं में रहा कंगना रनौत का मामला। दरअसल महाराष्ट्र में एक्ट्रेस कंगना रनौत ने उद्धव ठाकरे पर तंज कसा है। कंगना ने एक अपने सोशल मीडिया पर एक लिखा है कि जब पाप बढ़ जाता है तो सर्वनाश हो जाता है, और उसके बाद सृजन होता है, और फिर जीवन में एक कमल खिलता है। 2 साल पहले बीएमसी ने कंगना रनौत के मुंबई के पाली हिल स्थित जो उनका ऑफिस था, मणिकर्णिका फिल्म्स के कई हिस्सों को अवैध बताते हुए तोड़ दिया था। बीएमसी ने, आपको वो तस्वीर भी याद होगी, और कार्रवाई के बाद से कंगना ने कहा था कि आज मेरा घर टूटा है, कल तुम्हारा घमंड टूटेगा। और इसके बाद से ही कंगना शिवसेना और उद्धव सरकार पर लगातार हमला करती रही है। तो कंगना रनौत भी चर्चाओं में है, क्योंकि आज उन्होंने मौका देखा। लेकिन कहानी कुल मिलाकर ये कि ये सियासत है, राजनीति है, राजनीति कब रंग बदल जाती है, कब किस करवट बैठ जाती है, कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल इंतजार होगा कि 7:30 बजे जब एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम की सीट संभालेंगे, उसके बाद अब नई सरकार की तस्वीर कैसी होती है, और साथ ही देखना यह भी होगा कि आखिर भाजपा या यूं कहें कि देवेंद्र फडणवीस आगे अपना और क्या कमाल दिखाते हैं। नमस्कार।